ऑप्शन बाइंग करना है तो आप इन द मनी बाई करिए, ऑप्शन सेल करना है तो आप एटीएम या ओटीएम का सेल करिए। ये चीजें तो आपने काफी बार हर एक जगह सुनी होगी, लेकिन इन द मनी में भाई साहब कौन सा इन द मनी? ये सारे स्ट्राइक प्राइस तो इन द मनी के ही हैं, ये सारे स्ट्राइक प्राइस तो इन द मनी के, कौन सा बाई करिए? एटीएम या ओटीएम, ये सारे तो एटीएम से लेकर के ओटीएम तक के स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा सेल करें? कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सबसे ज्यादा फायदा दिला सकता है? अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करें। तो ये वीडियो स्ट्राइक प्राइस का थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम आपको डीप लेवल तक की बातें बताएंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, इन द मनी में भी करना है तो कौन सा इन द मनी सेलेक्ट करें, एटीएम बेचें कि ओटीएम बेचें, किसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा फायदा होगा, किसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्केट का मूवमेंट का फायदा होगा। तो आइए इस वीडियो को लास्ट देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो या फिर ऑप्शन सेलिंग करो। क्योंकि देखो, अगर आप ऑप्शन के फील्ड में काम करते हो ना, तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है स्ट्राइक प्राइस का पता होना, क्योंकि ऑप्शन में हम स्ट्राइक प्राइस को बाय या सेल करते हैं, तो आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस होगा, वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक प्राइस के ही ऊपर होता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले ऐसे समझिए, देखिए स्ट्राइक प्राइस के लिए दो मेजर चीजें होती हैं। क्या मेजर चीजें होती हैं आपको मैं वो समझाने का ट्राई करता हूँ। जो भी LTP होता है, LTP मतलब देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जो भी प्राइस होता है स्ट्राइक प्राइस का, वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है टाइम वैल्यू, दूसरा होता है इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है। आपको टाइम वैल्यू का पता होना चाहिए। ऑप्शन बायर्स का दुश्मन होता है टाइम वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू जैसे देख सकते हो एटीएम में पूरा का पूरा, ये जो जितना भी स्ट्राइक प्राइस का है, जो भी प्रीमियम है, ये एटीएम का पूरा टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू मतलब अगर मार्केट जहां पर है, मार्केट देख सकते हो कि मार्केट है 17,880, अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर हो जाता है तो जितने भी ये हैं ये सब जीरो हो जाएंगे, 114 पर जीरो हो जाएगा, और जितने भी ये ओटीएम दिख रहे हैं आपको, ये सब कहीं ना कहीं जीरो हो जाएंगे। और एक होता है इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब होता है रियल वैल्यू, जैसे देख सकते हो IV, ठीक है। दो चीजों से मिलकर प्रीमियम बनता है, एक होता है इंट्रेंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। IV अगर मार्केट मान लो कि 17,880 पर एक्सपायर हो जाता है, यहीं पर एक्सपायर हो जाता है, तो ये वाला जो प्रीमियम है 17,850 का जो कॉल है, ये इसका प्रीमियम है ₹142, ठीक है। लेकिन ये जीरो नहीं होगा, ये ₹30 पर एक्सपायर होगा, और इसमें का जो बाकी है ₹112.95, ये देखो टाइम वैल्यू का सेक्शन है और ये इंट्रेंसिक वैल्यू का सेक्शन है, तो टाइम वैल्यू इसमें से कम हो जाएंगे, क्योंकि टाइम की वैल्यू जैसे जैसे एक्सपायरी का आप पास जाओगे वैसे वैसे टाइम वैल्यू डीके होता है। स्ट्राइक प्राइस में क्या आपके प्रीमियम कम होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये 29 दिसंबर का है एक्सपायरी, ठीक है, 29 दिसंबर की एक्सपायरी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कैसे पता करना है कि आपके लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सबसे सही रहेगा, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो चाहे ऑप्शन सेलिंग करो। तो देखो टाइम वैल्यू का आपका फैक्टर क्लियर है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो कि मार्केट यहीं पर एक्सपायर हो गया, तो ये वाला जो प्रीमियम है इसमें देखो इसका प्रीमियम है ₹240, लेकिन जब एक्सपायर होगा ना, मतलब 29 दिसंबर को, ये ₹240 पर नहीं रहेगा, इसका प्रीमियम ऑटोमेटिकली घट के केवल केवल ये इंटेंसिव वैल्यू जितना बचेगा, जितना जिसका स्ट्राइक प्राइस का इंटेंसिव वैल्यू होता है वही उसकी रियल वैल्यू होती है, और ये जो टाइम वैल्यू है ये समय के साथ साथ कम होता जाएगा इस प्रीमियम में। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि ₹280 का प्रीमियम है, जैसे जैसे मार्केट में टाइम बीतेगा, मार्केट मान लो कि यहीं पर है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाता जाएगा वैसे वैसे इसके प्रीमियम घटते हो जाएंगे, और फाइनली ₹230 पर आकर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, ये इसकी रियल वैल्यू है, ठीक है। इतना आपको पता रहना चाहिए इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका मैं लिंक लास्ट में दे दूंगा, अगर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप उसको भी देख सकते हो। अब बात आती है आपके लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही रहेगा। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, पहला टाइम वैल्यू को पता होना चाहिए, दूसरा आपको इंट्रेंसिक वैल्यू पता होना चाहिए। अब इसके बाद ये बात आती है कि अगर आप मान लो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो कि टाइम वैल्यू। आप बाई करोगे, आपके प्रीमियम ना कुछ घटते जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू, ठीक है। तो टाइम वैल्यू से आपको बचना है अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको टाइम की भी वैल्यू चाहिए, साथ ही साथ अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो उसका भी बेनिफिट हो, और अगर मार्केट में थीटा डीके हो रहा है, हम लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें थीटा डीके से भी बेनिफिट कहीं ना कहीं मिले। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन बायर्स के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही रहेगा, फिर हम ऑप्शन सेलर्स के लिए समझेंगे। तो देखो ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, ऑप्शन बायर्स आकर कुल मिलाकर के डायरेक्ट कर लेते हैं इन द मनी को बाई। लेकिन भाई साहब इन द मनी कौन सा बाई करना है आपको,
ये सब तो इन द मनी है। तो मैंने देखो मैंने हटा रखा है कॉल के लिए आईवी, मतलब इंटेंसिव वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, स्पॉट प्राइस, मतलब ये स्पॉट प्राइस जो है निफ्टी फ्यूचर और इसमें से कॉल स्टैक प्राइस, इसको घटा लेंगे तो आपका मिल जाएगा आईवी। अब देखो 114 रुपए है, आपने सुना होगा कि एटीएम पर टोटल टाइम की वैल्यू ही होती है, तो ये आपका टाइम का टोटल वैल्यू हो गया, ठीक है, ये हो गया टोटल टाइम का, ये हो गया आपका टाइम का वैल्यू, मतलब ये पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर हो जाएगा तब। इंट्रेंसिक वैल्यू केवल और केवल इन द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस में ही होता है, ठीक है। अब जैसे 142 रुपये अगर आप इसको बाई करो, ये भी तो इन द मनी है, लेकिन इसमें देखोगे तो इसमें 112 रुपये का जो हिस्सा है वो टाइम वैल्यू का है, इंट्रेंसिक वैल्यू तो केवल और केवल 30 है। वो कैसे निकाला हमने, इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकाला, देखो स्पॉट प्राइस मतलब 17,880 में से स्ट्राइक प्राइस, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है 17,850, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आईवी, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू, तो 30 रुपये इसमें का वैल्यू है इंट्रेंसिक वैल्यू, और बाकी का जो 142 रुपये का है पार्ट आपका वो है टोटल का टोटल टाइम वैल्यू। अब जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के नज़दीक जाएगा वैसे वैसे ये वाला जो टाइम वैल्यू है ये इसमें से डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसमें टाइम की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी, जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही उसमें डीके होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ऑप्शन सेलर मोस्टली एटीएम पर काम करते हैं। तो आपको क्या इन द मनी, ये वाला इन द मनी बाय करना है, बिल्कुल नहीं गाइस। इसमें देखोगे तो इसमें 112 रुपए का है आपका टाइम वैल्यू और केवल 30 रुपए इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, ये आपके लिए सही रहेगा। इसमें देखो इसमें 94 रुपए टाइम की वैल्यू है और बाकी का जो है वो है 80 रुपए केवल इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं ये भी करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग उस स्टॉक प्राइस में करेंगे जिसमें टाइम की वैल्यू कम रहेगी, टाइम की वैल्यू जिसमें कम रहेगी और इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग हम कब करते हैं, जब मार्केट का मूवमेंट होने वाला था, और मूवमेंट का हम फायदा उठाते हैं। कॉल बाई कब करते हैं, जब मार्केट हमें लगेगा कि मार्केट अपसाइड का मूवमेंट देगा तब हम कॉल बाई करेंगे। तो कॉल बाई अगर करेंगे तो हम इन द मनी को नहीं करेंगे। अब लोग बोलते हैं इन द मनी, भाई साहब ये सब इन द मनी में ज़्यादा टाइम की वैल्यू है, तो मार्केट भले ही आपके फेवर में जाएगा तो ठीक है, कॉल के प्राइस तो बढ़ेंगे लेकिन उसमें से डीके भी होगा। अब देखोगे आपकी डीके इसमें काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 112 रुपए 100 रुपए के आसपास का इसमें टाइम की वैल्यू है, तो ये दोनों इन द मनी स्टॉक प्राइस आपके लिए बेस्ट नहीं रहेंगे। बेस्ट कौन सा रहेगा, बेस्ट वो रहेगा जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा हो और टाइम वैल्यू कम हो। अब देखो इसमें 80 रुपए का आपका है क्या है टाइम वैल्यू, इसमें 80 रुपए का है टाइम वैल्यू और 130 रुपए है इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब रियल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है 130 रुपए है इसकी रियल वैल्यू, 80 रुपए है इसमें टाइम वैल्यू। तो ये मान लो एक तरह से इन द मनी, जो आप ऐसे नॉर्मली आंख बन के कहते हो ये इन द मनी ये इन द मनी सेल करते हो, इससे बढ़िया है कि आप इसको बाई करो, इन दोनों से अच्छा आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा देखने को। अगर आपको थोड़ा सा और सेफर से जाना है तो आप ये वाले इन द मनी को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो इसमें 60 पॉइंट का ही आपका टाइम वैल्यू है और 180 पॉइंट का इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो ये वाला आपके लिए सही रहेगा ऑप्शन बाइंग करने के लिए, क्योंकि इसमें देखो इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है और टाइम की वैल्यू कम है। 240 रुपये का आपका प्रीमियम है लेकिन 180 रुपये उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है और 60 रुपये आपका टाइम की वैल्यू, ठीक है। तो ये स्टॉक प्राइस आपके लिए सही रहेंगे। और अगर आप इन द मनी जाओगे तो क्या होगा, अगर आप और इन द मनी जाओगे तो क्या लगेगा आपको पता है, इन द मनी और जाएगा देखो यहाँ पर 50 रुपये का आपका टाइम वैल्यू है और 230 रुपये इसमें क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू है, ठीक है। तो ये और बेस्ट है, लेकिन एक चीज़ समझो, जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे वैसे वैसे ऑप्शन का डेल्टा आपका बढ़ता हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये डेल्टा क्या होता है, तो भाई साहब डेल्टा एकदम देखो सिंपल चीज़ें हैं, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये स्ट्राइक प्राइस डेल्टा बोलो वही बताता है, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो उसमें मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से कितना मूवमेंट आएगा। जैसे 17,880 है, ठीक है, अब ये मान लो कि 17,890 हो गया, ये 10 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, तो आपका स्टॉक प्राइस कितना बढ़ेगा। अब देखो अब कितना बढ़ेगा, अब अगर मान लो आप इसे बाई किए रहोगे तो इसका डेल्टा जितना डेल्टा रहेगा उतना बढ़ेगा। मार्केट 10 रुपये बढ़ा तो इसका डेल्टा 0.54 है, तो इसका मतलब आपका जो प्रीमियम है वो 0.54 रुपये बढ़ जाएगा, 5.40 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आपने इसको बाई कर दिया, अगर आपको आपने 240 को बाई कर दिया तो ये इसका डेल्टा है 0.71, तो इसका कितना बढ़ेगा, इसका रुपये बढ़ेगा 7.10 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये 240 रुपये वाला जो है वो 241.10 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आपने इसको बाई कर दिया 17,550, तो इसका कितना है, इसका डेल्टा देखो 0.82 है, तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा 8.20 रुपये, ठीक है। ये होता है डेल्टा का मेन मतलब,
ठीक है। तो डेल्टा वो है, वो चीजें हैं जिसके हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो कितनी रफ्तार से घटेगा या बढ़ेगा वो आपका डेल्टा बताता है। ठीक है, डेल्टा को भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, अब उसको भी देख लेना, उसका भी मैं लिंक लास्ट में दे दूंगा। उसी तरह अगर मान लो मार्केट का प्राइस अगर आपका 10 रुपये गिर जाता है, मतलब ये 800 हो जाता है, 870 रुपये गिर जाता है, तो आपका अगर आप मान लो कि इसको बाय किए रहोगे तो इसका प्रीमियम कम होगा क्योंकि मार्केट गिरता है तो कॉल का प्रीमियम घटते हैं। तो कितना घटेगा ये कितना घटेगा ये वाला स्टॉक प्राइस, ये वाला घटेगा 5 रुपये 40 पैसे। ठीक है, क्योंकि इसका डेल्टा 0.4 है, 0.54 है। अगर आप वहीं मान लो कि इसको आप कर रहे हो, अगर मान लो इसको आपने बाय करके रखा हुआ है 17,550 का, तो ये घटेगा 8 रुपये 20 पैसे। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा इतना है, 0.82 है। जिसका डेल्टा जितना ज़्यादा होगा वो स्ट्राइक प्राइस उतना ही ज़्यादा मूवमेंट करता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप इन द मनी भी बाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा अगर इन द मनी आप बाई करोगे, अब मान लो कि आपने इसको बाई कर दिया, 0.91 वाले को बाई कर दिया, तो भाई साहब ये ना फिर इसमें टाइम वैल्यू तो काफ़ी कम होगा, लेकिन ये फ्यूचर की तरह रिएक्ट करने लगेगा। फ्यूचर की तरह क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि मार्केट मान लो कि 1 रुपये बढ़ेगा तो ये 91 पैसे बढ़ेगा, ये वाला स्टॉक प्राइस जो है आपका 91 पैसे बढ़ेगा। 1 रुपये गिरेगा तो आपका स्टॉक प्राइस में 91 पैसे कमी होगा। तो ज़्यादा इन द मनी करोगे तो वो फिर फ्यूचर की तरह रिएक्ट करने लगेगा। तो अब आप ध्यान देना कि अगर आप बाई कर रहे हो, बाई कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो इन द मनी का बाई करो, लेकिन कौन सा इन द मनी? जिसकी टाइम वैल्यू थोड़ी कम हो और इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा हो। अब पहले क्या करते थे लोग, पहले भाई साहब ये भी इन द मनी थी, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इधर के आसपास आप सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें टाइम की वैल्यू थोड़ी सी आपको कम है और इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा ना वैसे ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। देखो हम इस स्ट्राइक प्राइस आज का जो वीडियो है वो मैं प्रॉफिट के हिसाब से और कैसे आपको मार्केट का मैक्सिमम मूवमेंट लेना है उसके साथ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको उसी तरीके से कैसे बचना है अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो उसके बारे में भी ये सारी चीज़ें हैं। अब वैसे मान लो कि अगर आप मान लो कि आपको पुटी बाई करना है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग हो तो भाई साहब जरूरी थोड़ी कॉल ही बाई करोगे, पुटी भी बाई कर सकते हो। अब पुट में भी आते हो, देखो पुट का है आई वी का क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस देखो अब 17,900 में, 17,900 का स्ट्राइक प्राइस होगा 17,900 और स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस क्या है, ये है स्पॉट प्राइस। ठीक है, तो जब 17,900 में आप घटाओगे 17,880 तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 20 रुपये आई बी। अभी आई बी क्या है, आई बी है आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू, ये जीरो नहीं होगा। अगर मार्केट मान लो यहीं पर एक्सपायर हो जाता है, कहाँ पर, 17,880 पर ही एक्सपायर हो जाता है, तो ये जो प्रीमियम है, जो 134 का प्रीमियम है, ये पूरा जीरो नहीं होगा, ये 20 रुपये बच जाएगा, लेकिन इसमें से जो 114 रुपये जो टाइम की वैल्यू है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा फंडा। तो 114 रुपये ये है, तो इसमें भाई साहब देखो इसमें इंटेंसिव वैल्यू कम है लेकिन टाइम की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, टाइम की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको आपको बाई करना खतरनाक साबित होगा। इसमें देखो इसमें 88 रुपये है आपके टाइम की वैल्यू, 70 रुपये है रियल वैल्यू, इंटेंसिव वैल्यू, तो इसको बाई करना थोड़ा सा खतरा का निशान है। इसमें देखो 71 रुपये है आपके टाइम वैल्यू और 120 रुपये है आपके इंटेंसिव वैल्यू, तो ये थोड़ा सा इन दोनों की अपेक्षा में तो सही ही है, लेकिन इसको भी अवॉइड करिए। आप कोशिश ये करिएगा कि जिसमें कम थोड़ा होगा, कम क्या, कम होगा आपका टाइम की वैल्यू और ज़्यादा होगा इंटेंसिव वैल्यू। जैसे ये देखो इसमें 54 रुपीज़ के बोले टाइम की वैल्यू है, 170 रुपये है आपके इंटेंसिव वैल्यू, तो ये आपके लिए सही साबित होगा। ठीक है, अब ये देखो 41 + 220 ये दोनों को मिला दोगे तो 261 रुपये होगा। इस तरह से ऑप्शन के प्रीमियम बनते हैं, तो 220 हो गया 41 रुपये इसमें टाइम की वैल्यू है और 220 रुपये इसमें इंटेंसिव वैल्यू, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन इसका डेल्टा देखोगे तो थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा इन द मनी जाओगे आप तो फिर वही मैंने बताया या फ्यूचर के आसपास फंस जाओगे, फ्यूचर की तरह रिएक्ट करने लगेगा। अब कोशिश ये करना अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो 0.75 का डेल्टा आपको सिलेक्ट करोगे तो उसमें थोड़ा सा इंटेंसिव वैल्यू ज़्यादा मिलता है और टाइम की वैल्यू कम होती है। तो अब आपको ना केवल आँख बंद करके इन द मनी बाई नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना इन द मनी बाई नहीं करना मेरे भाई, इन द मनी वो बाई करिए जिसमें थोड़ा सा टाइम की वैल्यू कम हो और इंटेंसिव वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। उसी तरह इसका भी अगर मैं अगर अब बात करूँ ऑप्शन सेलिंग की, देखो ऑप्शन सेलिंग इसमें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग में लोग बोलते हैं भाई साहब कि केवल और केवल एटीएम, यार एटीएम जरूरी नहीं है कि एटीएम ही सबसे बढ़िया है, हर एक कंडीशन में एटीएम नहीं है। ऑप्शन सेलिंग हम ध्यान में रखते ये रख के करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं चीटा डिके का भी मूवमेंट मिल जाए, मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा है, साइडवेज भी है तो भी प्रॉफिट हो जाए। अब देखो अगर मान लो आप कॉल सेल कर रहे हो, कॉल सेल कर रहे हो, ये है कॉल सेल करने का, ये कॉल सेल करें, इसमें देखोगे 114 रुपये का प्रीमियम है, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। इन द मनी देखोगे तो 112 रुपये ये हो गया आपका टाइम वैल्यू,
इसके अंदर रखोगे 94 रुपये, ये होगा टाइम वैल्यू। ऑप्शन सीरीज में जानते हो क्या है, अब देखो जैसे कि मार्केट गिरा था अभी, देखा आपने परसों दिन की गिरा हुआ था मार्केट, कितना बढ़िया मार्केट में बैंक निफ्टी में 1000 रुपये का डाउनफॉल आया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, एक चीज़ समझो कि जितना का मार्केट भले ही 10,000 पॉइंट क्यों ना गिर जाए, 2,000 पॉइंट गिर जाए, लेकिन आप जो सेल करोगे आपका मैक्स प्रॉफिट यही होता है, समझ गए, आपका मैक्स प्रॉफिट यही होता है जो है 114 रुपये, ठीक है 114 रुपये का मैक्स प्रॉफिट होगा। लेकिन अब आपको मूवमेंट का फायदा नहीं उठा पाओगे, मार्केट भले ही कितना क्यों ना गिर जाए 114 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने कॉल सेल करके रखा है। तो इसका फायदा कैसे उठाओगे, ऑप्शन सेलिंग भी करो आप, आपको फायदा भी होना चाहिए मार्केट के मूवमेंट का। तो आप क्या कर सकते हो, देखो अब 114 रुपये का मैक्स प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, आपके लिए ये भी स्टॉक प्राइस सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखो इससे में 114 रुपये का ही है आपको पूरा का टाइम वैल्यू, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इन द मनी जाओगे ना, ये वाला इन द मनी, तो देख सकते हो इसके प्रीमियम 142 रुपये हैं। तो अगर मार्केट गिरेगा आपके फेवर में तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिख सकता है, क्योंकि इसका प्रीमियम ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपके फेवर में मार्केट जाएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और साथ ही साथ इसकी टाइम वैल्यू कितनी है, 114 रुपये, इसकी टाइम वैल्यू कितनी है 112 रुपये, तो ज़्यादा तो फ़र्क आया नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा फ़र्क है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। थोड़ा बहुत इन द मनी में भी चलेगा। आज अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि एटीएम बेचो कल ओटीएम बेचो, मैं कभी कभी इन द मनी में बेचता हूँ, इसका लॉजिक कहीं ना कहीं यही है। अब मेरी बात करो, अब मैं आ गया थोड़ा सा ऊपर, इसको मेरा व्यू है डाउन का, मैं कॉल सेल करूंगा 17,800 का। इसमें भी देखोगे तो 100 रुपये का कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू है और इंटेंसिक वैल्यू कम है और 174 रुपये का प्रीमियम है। तो मार्केट मान लो कि मेरे फेवर में ज़्यादा मूवमेंट देने वाला है या फिर मेरे फेवर में ज़्यादा मूवमेंट जाएगा, ज़्यादा गिरेगा, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा एटीएम की तुलना में। तो हमेशा एटीएम ही सही नहीं होता कॉल सेल करने के लिए, ठीक है। आप थोड़ा बहुत इन द मनी भी बेच सकते हो, और ओटीएम का तो आप जानते ही हो, ओटीएम का तो हर जगह आपने सुना होगा। तो आपके लिए थोड़ा बहुत इन द मनी से लेकर के ओटीएम तक का पूरा स्टॉक ऑप्शन सेलर के लिए होता है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में डाल लो, ठीक है। आपको सेलिंग कर रहे हो तो वो सेल करो जिसमें टाइम की वैल्यू ज़्यादा हो, इंटेंसिव वैल्यू कम हो। अगर बाइंग करो तो ठीक उसी का उल्टा, ठीक है, क्योंकि सेलिंग में हम ऑप्शन का जो डीके होता है उसका बेनिफिट लेने का ट्राई करते हैं। अब वैसे ही मान लो कि पुट सेलिंग का, तो पुट सेलिंग के लिए हर जगह सुना है आपने कि भाई साहब बेच दो एटीएम, इसमें देखोगे टाइम की वैल्यू 114 रुपये है लेकिन इसका प्रीमियम है 134 रुपये, 134। अब मार्केट भले ही कितना ऊपर क्यों ना चला जाए, 500 पॉइंट चला जाए, 1000 पॉइंट चला जाए, आपको 134 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो आप सब लोग जानते हो, ठीक है। तो आपके लिए ये भी सही है, बेस्ट है। अगर मान लो कि थोड़ा सा आप और प्रॉफिट के चक्कर में पड़े हुए हो तो आप थोड़ा बहुत इन द मनी, जैसे ये हो गया, बहुत ज़्यादा इन द मनी मत बेचना, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें फिर टाइम की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसमें देखोगे तो 88 लगभग 90 रुपीज़ का आपको डीके मिल जाएगा और 70 रुपये आपको इंटरेस्टिंग वैल्यू है। तो मार्केट अगर आपके फेवर में ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देगा तो आपके लिए ये भी ये एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस साबित होगा प्रॉफिट के तुलना में, और इसमें डीके भी काफ़ी जगह समझ, क्योंकि इसमें डीके भी ठीक ठाक है, ठीक है। अब बात आ गई इसके 18,000 का, इसमें देखो 71 रुपीज़ हैं, 71 रुपीज़ हैं क्या है टाइम की वैल्यू, लेकिन 120 रुपये है इंटरेस्टिंग वैल्यू, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना सेलिंग करोगे तो जिसमें जिस स्टॉक में टाइम की वैल्यू ज़्यादा हो इंटरेस्टिंग वैल्यू से उसी को सेलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पर 88 रुपीज़ हैं, टाइम की वैल्यू ज़्यादा है और इंटरेस्टिंग वैल्यू केवल केवल 70 रुपये हैं, ठीक है, केवल केवल 70 रुपये हैं, तो इसमें टाइम की वैल्यू ज़्यादा है, इंटरेस्टिंग वैल्यू कम है, तो ये तक सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें तो पूरा पूरा टाइम वैल्यू ही है, टाइम वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और वहीं अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, मैं आपको सीख समरी बता देता हूँ, तो ऑप्शन बाइंग के लिए आप वो स्टॉक प्राइस सिलेक्ट करो भाई साहब जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा हो और टाइम की वैल्यू कम हो। जैसे एग्जांपल समझ लो, जैसे अब मान लो कि इसमें देखो इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा है, इंट्रेंसिक वैल्यू कम है, टाइम वैल्यू ज़्यादा, इंट्रेंसिक वैल्यू कम है, टाइम वैल्यू ज़्यादा, इंट्रेंसिक वैल्यू कम है, लेकिन इसमें देखो 80 रुपये ही केवल केवल टाइम वैल्यू है, 130 रुपये आपका इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, ये सही हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से फिर सही चीज़ आपके लिए स्टार्ट होने लगेंगी, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसी तरह अगर आप ऑप्शन बाइंग करो पुट में, तो अब देखो इसमें कौन किस में टाइम की वैल्यू कम है, टाइम की वैल्यू देखो इसमें टाइम की वैल्यू ज़्यादा है, इंटरेस्टिंग वैल्यू कम है, टाइम की वैल्यू 88, इंटरेस्टिंग वैल्यू केवल केवल आपका 70, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं देखोगे 191 रुपये का, 191 का, तो इसमें देखोगे आपकी टाइम वैल्यू कम है, 70 रुपये ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग वैल्यू आपके पास 120 रुपये है, तो ये आपके लिए स्टॉक प्राइस बाइंग के नज़र में सही रहेगा, ठीक है। तो जिसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा है उसको सेल करो, जिसमें टाइम वैल्यू कम है उसको बाय करो। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, अपना प्यार देना, आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी मुझे इस तरह के डीप कॉन्टेंट बनाने के मन करता है यार, कि आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ इसका इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।